वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे पपाया के हेल्थ बेनिफिट्स और साथ ही बनाएंगे पपाया के दो ड्रिंक्स। विटामिन से भरपूर पपाया में पाया जाता है कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी। पपाया डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभदायक है, इससे शुगर लेवल कम होता है। आर्थराइटिस में भी ये बहुत ही फायदा करता है, इससे बोन स्ट्रांग होते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कॉन्स्टिपेशन में लाभदायक है, डाइजेशन भी ठीक ठाक करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तो इतना बेनिफिशियल है ये हमारे हेल्थ के लिए। तो चलो बनाते हैं इससे ड्रिंक। तो यहाँ पर मैंने पपीता को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पपीता के दो ड्रिंक्स। तो पहला मैं बना रही हूँ पपीता मिल्क शेक। तो मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें कुछ पीसेस मैं ऐड कर रही हूँ, कुछ पीसेस मैं दूसरे ड्रिंक में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हनी। तो आप चाहे तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हनी का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हनी मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ शुगर को, आप चाहे तो शुगर में भी इसे बना सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रिज से अभी निकाला है और ये देखिए कैसा गाढ़ा है, जमा हुआ है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े स्पून से शहद। शुगर का भी स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्किप किया है। आप चाहे तो शहद को स्किप करके शुगर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ठंडा दूध। तो दूध ऐड करने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद देखिए हमारा मिल्क शेक रेडी है। तो ये है हमारा पपाया मिल्क शेक, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पपाया मिल्क शेक रेडी है। आप चाहे जैसे इसे गार्निश कर सकते हैं, आपके स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें इलायची पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसा आप चाहे। ये बेसिक शेक है, आप चाहे जैसे इसका टेक्सचर बदल सकते हैं। और उसी जार में मैं अभी ऐड करूँगी पपाया के जो बचे हुए पीसेस थे, उसे मैं ऐड कर दूँगी। चाहे आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी जार को यूज़ किया है और उसी में मैं इसे बनाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। आपको जितना पतला करना है इसे आप अपने हिसाब से इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप इलायची भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें शुगर। शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप मीठा भी थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करके मीठापन बढ़ा सकते हैं। तो इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद देखिए रेडी है हमारा पपाया जूस। तो हमारी सेकेंड वाली ड्रिंक भी रेडी हो गई है, ये है पपाया का जूस। पहला वाला हमने बनाया पपाया मिल्क शेक और ये सेकेंड है पपाया जूस। तो हेल्दी और टेस्टी हमारी दोनों ड्रिंक्स यहाँ पर बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, पपाया बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे लिए। तो आप अपनी डाइट में ज़रूर इसे शामिल कीजिए। आप चाहे जैसे इसका यूज़ कीजिए, आप पपाया मिल्क शेक बनाइए, पपाया का जूस बनाइए या पपाया को ऐसे ही काट कर खाइए। आप चाहे जैसे अपने डाइट में इसे शामिल कीजिए, लेकिन ज़रूर इसे यूज़ कीजिए। अभी तो ये सीजनेबल फ्रूट तो रहा नहीं, क्योंकि ये 12 महीने अवेलेबल होता है। हम कभी भी इसे मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं और जैसे चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी अपनी इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, वेट लॉस करता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। विटामिन से भरपूर पपाया हमारे लिए हर तरीके से लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हो तो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।